नोट्स आने का बिल्कुल मन नहीं है जी आज तक। वापस हस्बैंड का टिफिन पैक किया, सब्जी बना ली, छोले के मिलेट बना लिया, रोटी भी बनाई, थोड़ा आटा लगा के रख दिया दोपहर के लिए, क्योंकि इतना नहीं है कि बार बार करूँ। राम राम जी, कैसे आप सभी? मेरी तो आवाज़ से समझ रहे होंगे, बैंड बजे पड़ी है गले की, रात को बिल्कुल अच्छी नींद नहीं आई। निशु के करा दिया छुट्टी, बच्चों के भी ख़राब है, योशी ने नहीं की, बोल मामा मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी जुकाम है, वो चली गई है स्कूल, हस्बैंड अभी जाएंगे ऑफिस। चाय बना रखी है क्योंकि हस्बैंड भी वही चाय ब्रेड खाएंगे, मैं भी, निशु सोई रही है अभी, दूध वूध का ज़रूरी ज़रूरी काम ख़त्म कर दिया है, ये पैक करना है, ब्रेकफास्ट करना करती हूँ, थोड़ी सी चाय वाय पीती हूँ, ब्रेड खाती हूँ, चद्दर वद्दर ठीक कर दी, एक रूम की मच्छरदानी निकाल दी, एक की बाकी है क्योंकि बच्चा सो रहा है, और बाहर आ रही है जी बारिश, फिलहाल रुकी है तो एक तो वैसे ही हमारी तो तबीयत ख़राब है और बारिश होने लग रही है, अभी फ़िलहाल रुक गई, होशी गई अभी तो, अभी रुकी है, नहीं तो पहले तो ये लग रहा था कैसे जाएगी, बारिश भी आ रही है। तो अगर थोड़ा ब्रेकफास्ट करके चाय पी के हस्बैंड चले जाएंगे ना ऑफिस, नहीं सो सॉरी, मैं भी थोड़ी देर सोऊंगी, फिर देखूंगी डॉक्टर के दिखा के लाऊंगी, तो मौसम कैसा रहता है, कैसी तबीयत रहती है, वो भी अभी सो रही है, मेरी कैसी रहती है, 9-10 बजे इसी डॉक्टर को दिखा के आऊँगी, तो अभी कर लेते हैं थोड़ा सा काम, और जब तक खाना पीना ना खाए हस्बैंड ना गए तब तक मैं सोच रही काम निपटा लेती हूँ, फिर आराम से सोऊंगी। गलाव करे आजकल ऐसे जुकाम होने लग गया कि आपको जब भी जुकाम होगा ना, पहले शुरुआत गले से ही होगी, गले का ही इन्फेक्शन होगा, पहले इतना नहीं था जब हम छोटे छोटे थे, मतलब अभी कुछ सालों से तो ऐसा चलन सा चल गया ना, मेरे तो देखो खासकर कि गला खराब हुआ, जुकाम हुआ, ये सब चीज़ें फिर साथ में, मतलब गला तो होना ही है, और ऐसे ही बच्चों का होने लग गया, पता नहीं बीमारियाँ ने कौन सा रूप ले लिया है। टाइम हो गया है 7:40, और ये ब्रेड खा लिया, चाय पी ली, थोड़ा सही लग रहा है, गर्म गर्म खा पियो थोड़ा सा सही लगता है, तो बस अभी तो मैं 1 घंटा तो सोऊंगी क्योंकि 9 बजे आएगी चेची कचरा लेने के लिए लगभग, तो 1 घंटे के लिए रेस्ट करती हूँ, निशु सोई रही है। टाइम हो गया जी 9:30, डॉक्टर के दिखा के आते, देनी तो वही दवाई है पर वही एक बार देख के आते, ये निशु को भी दिखा के लाऊँ, निशु को गले में दर्द नहीं बता रही है, खांसी वासी भी नहीं है, बुखार भी नहीं है, सिर्फ नाक बह रही है इसकी, ताज बेटा लाइट बंद कर दे, और मेरा तो आई गला ख़राब है, वो सब लेके आते हैं, दवाई लेके आते हैं, आ जा रे आजा, मत लेट कर निशु, आजा आजा, चल लाइट ना बंद करके आयो, करके जा, भाग के जा, आजा, इसको पिला दिया जी नारियल पानी, बोले नारियल पानी पीऊंगे अभी, डॉक्टर के दिखा के आ गई हूँ, थोड़ा सा मलाई नहीं पता मतलब, यही पसंद है ना तुझे, चम्मच से ही खा ले, ये सब लेके जा। ये है जी आज का खाना, योशी आ चुकी है, सब्जी सुबह बनाई थी छोले की, ये खीरे काटे, सलाद भी थोड़े से ही काटे क्योंकि ऐसे में जुकाम उकाम गले में दर्द, ज़्यादा सलाद का वो नहीं है, मिलेट है सुबह का, हस्बैंड को टिफिन भी दिया था, रोटी है थोड़ी सी, ये हाल हो रहा है सबको, जुकाम जाएगी ना, पहले गले में दर्द है, आइस घाल लगी, पिटाई लगा दूंगी मैं, खाना खाते जाओ, बैठो हाथ धो के रहो, बैठो खाना खा ले, चले। शाम के हो गए हैं जी 6:30, और मैंने चेंज किया क्योंकि रील बनानी थी मुझे एक दो, और योशी निशु गई ड्राइंग क्लास में, फिर वो खेलने चली गई, योशी भी चली गई है, और बर्तन पड़े क्योंकि पानी अभी आया है, तो अभी ये बर्तन धोती हूँ क्योंकि दोपहर से आ ही नहीं रहा था, और टब में भी नहीं था, टब भी खाली था, तो अभी बर्तन वॉश करती हूँ, शाम का खाना पीना देखती हूँ, बनेगा तो वैसे ही क्योंकि सबका गला खराब है, योशी का भी खराब है, निशु का भी जुकाम है, हस्बैंड की भी ऐसी है, तो भाई खिचड़ी वगैरह थोड़ा ऐसा ही कुछ बनाऊँगे, मन तो हलवे का करे पर उसमें घी हो जाएगा, घी हुई भैया खांसी और कर देगा, नहीं थोड़ा गर्म गर्म खावा, गले में आराम दे, खाने में जोर ना पड़े, देखती हूँ कुछ बनाती हूँ, और मशीन कपड़े पड़े हैं आज तो पहले तो मशीन चला देती हूँ ताकि कपड़े धुल जाए, और बर्तन वॉश करती हूँ। ये तो बनाया जी थोड़ा सा हलवा सा, ये ना आटे का, इसमें थोड़ा सा बेसन डालना, थोड़ी थोड़ी देखो गांठे से होगी, घी मैंने बहुत थोड़ा गिरा, घी ज़्यादा कहते हैं तो नहीं होते, बहुत कम घी डाला है, और अब मैं बना रही हूँ, मतलब ये है कि ये बहुत अच्छा नहीं बना है, ये बना रही हूँ अभी पूड़े बेसन के, कुछ रोटी रखी है दिन की तो कोई रोटी ले लेगा, और कुछ ये पूड़े बना दूंगी मैं, तेज हो गई गैस,
निशु नखरे करेगी तो पूरे आराम से खा लेंगे। यही है खाना। मैंने खिचड़ी के बना रही थी मैं, तो फिर याद आया भिगो भी दिया, अभी सुबह करनी पड़ेगी, भिगो दिया इसमें दाल चावल, फिर याद आया आज तो गैस है तो फिर नहीं बनाई, गलती से वो कर दिया, भिगो दिया, फिर ध्यान में आया। तो बस अब ये बना लेते हैं जी, खाना खाते हैं। आइए ना, गर्म गर्म खाना है, ठंडा हो जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो गले की सिकाई हो जाएगी थोड़ी सी। टाइम हो गया जी 9:50, 10 बजने वाले हैं। दही दही बहुत सारा दही होगा, कुछ दिन से दही हम लोग खा भी ना रहे, तो ये मैंने इसको फाड़ दिया है पनीर बनाने के लिए। गर्म है ये, तो देखूंगी सुबह करूंगी, अभी तो लेट हो गया, थक गई, नींद आ रही है, ये छोड़ दूंगी, सुबह कर दूंगी या देखती हूँ, घाल भी दूंगी। तो ये बना रखा है, गाढ़ा लिया नहीं किसी ने भी, तो लेते हैं गाढ़ा, काफ़ी अच्छा असर करे, मेरी तबीयत हो गई आज काफ़ी फ़र्क है मुझे, बाकी किचन का काम डन है जी। तो बस मुँह धोना है, ब्रश करनी है, जो काजल वाजल देखो फैल गया, बाकी तो कुछ नहीं था, लिपस्टिक और काजल ही रहे, पर ये फैल गया, उतारना है। मुँह धोती हूँ, ब्रश करती हूँ, फिर गाढ़ा पियेंगे और बस सोते हैं। बच्चे भी, हाँ बेटो निशु आ गई, ये भी निशु है, फ़ोन चाहिए इसको। तो ब्लॉग खत्म कर देते हैं, आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बच्चों की आदत, छोटे बच्चे तो भी, ये भी छोटा ही है। तो कल फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में, आप सभी को शुभ रात्रि, राम राम जी।